Okay, so it's time to say goodbye to the most iconic series of all time, जिसने अपनी complex story और epic plot twist से सबको 10 साल से भी ज्यादा entertain रखने का काम किया। ये सिर्फ शो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों फैंस के लिए एक इमोशन भी है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सबको इसे अलविदा कहना पड़ रहा है, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन का ये फिनाले एपिसोड था और इसके बाद अब कोई भी एपिसोड नहीं आने वाला है। और ये फिनाले एपिसोड वाकई दिल जीत लेता है दोस्तों। और इसी के साथ साथ में अटैक ऑन टाइटन के ऑथर यानी हाजिमे इसायामा और इसके साथ साथ इसने जो इस पर काम किया है यानी विट स्टूडियो और मापा स्टूडियो को थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि पूरे पैशन और डेडिकेशन के साथ जो इसने हमें डिलीवर किया है वो वाकई काबिले तारीफ है दोस्तों। अटैक ऑन टाइटन पे काम करने वाले एनिमेटर्स, वॉइस आर्टिस्ट, म्यूजिक आर्टिस्ट और बैक स्टेज पर जिन भी लोगों ने काम किया है, उनकी मेहनत, उनकी लगन इस पूरे फिनाले एपिसोड में नजर आती है दोस्तों। क्योंकि ये जो फिनाले एपिसोड है, जो हमें सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है, वो शायद कभी और देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। अब इस एपिसोड में काफी सारी ऐसी चीजें हुई है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ, खासकर इसकी एंडिंग को लेकर, जिस पर काफी सारे लोगों का ये ओपिनियन है कि इसकी एंडिंग उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं थी जिस हिसाब से ये एनिमे डिजर्व करता है। और कहीं लोग इसकी एंडिंग से सेटिस्फाई है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बेहतर इसकी शायद एंडिंग हो नहीं सकती थी। और जो अटकलें लगाई जा रही थी कि इसकी जो मांगा की एंडिंग है उसे चेंज करके एनिमे ओरिजिनल एंडिंग रखा जाएगा, तो क्या वो हुआ है इस एपिसोड में, तो ही जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे वीडियो में क्या क्या होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है और काफी ज्यादा इमोशनल भी। 1 घंटे 20 मिनट का ये एपिसोड किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। एक से बढ़कर एक सिचुएशन हमारे सामने आती रहती है और किसी चीज को भी प्रिडिक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन होते जाता है। और यही तो खासियत है अटैक ऑन टाइटन की, इसलिए लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके पिछले वाले पार्ट में हमें बताया गया था कि कैसे एरन येगर अपनी रंबलिंग वाली अप्रोच को अंजाम दे चुका है और वो किसी भी हालत में इस चीज को रोकने नहीं वाला है। और इस चीज से एरन सिर्फ एक ही चीज हासिल करना चाहता है और वो है फ्रीडम, ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचा के साइकिल ऑफ हेट्रेड को खत्म कर दे और इस चक्कर में वो न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। और यमीर भी जो फाउंडिंग टाइटन है वो ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रही होती है। और एरन को रोकने की कोशिश आर्मिन और उसके बाकी साथी एक बार जरूर करते हैं, लेकिन एरन पूरा मन बना चुका है और वो अपने इस फैसले को रोकने नहीं वाला है। लेकिन उसने अपने दोस्तों को फ्रीडम दे रखी है कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो रोक सकते हो, लेकिन मैं खुद से तो नहीं रोकने वाला हूँ। और यही वजह है कि आर्मिन और उसके बाकी साथी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर हम एरन को रोकना चाहते हैं या उसे बचाना चाहते हैं तो हमें जीक को मारना होगा, और जीक को मारने के लिए हमें फाउंडिंग टाइटन पर लैंड करना होगा ताकि हम उसे मारकर एरन की रंबलिंग को रोक सके और एरन को वहां से छुड़ा सके। अब अटैक ऑन टाइटन का फिनाले एपिसोड था और फाइट सीक्वेंसेस ना हो तो मजा नहीं आएगा ना, इसीलिए फाउंडिंग टाइटन पर जो फाइट सीक्वेंसेस हुई है वो वाकई लाजवाब थी दोस्तों। और इस एपिसोड में इतने बड़े स्केल पर इस चीज को एग्जीक्यूट करना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर हमारे कैप्टन लिवाई, मिकासा, राइनर और बाकी साथी जितने भी थे उन सब ने हजारों की तादाद में टाइटन से मुकाबला किया, जो कि एरन की फाउंडिंग टाइटन और वॉरहैमर टाइटन की पावर से बनाए गए थे, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि इस पूरी फाइट सीक्वेंस को इतना ज्यादा डिटेल में दिखाया गया है, खासकर टाइटन्स को जो सीजीआई में क्रिएट करके 2D एनिमेशन के साथ ब्लेंड किया गया है, वो इतना ज्यादा बड़ा टास्क था कि मापा ने इसे बड़ी बखूबी तरीके से निभाया है। अब फाइट सीक्वेंसेस कितने ज्यादा डायनेमिक होने वाले ये तो कहीं ना कहीं हमने एक्सपेक्ट जरूर किया था, लेकिन इससे भी ज्यादा जो दिल को हिट कर जाता है वो थे इसके डायलॉग्स और कॉन्वर्सेशन, वो भी कैरेक्टर्स के बीच में। चाहे वो जीक और आर्मिन के बीच में हुई कॉन्वर्सेशन क्यों ना हो, जहां पर वो एक दूसरे से अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे होते हैं। जब आर्मिन पाथ में एक पत्ते को उठाकर कहता है कि इस पत्ते से मुझे ये याद आता है कि कैसे मैं एरन और मिकासा के साथ पेड़ के पास रेस लगाया करता था, जिसमें मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलती थी, और वही पत्ता जीक को बॉल दिख रहा होता है जो उसे कैच खेलने वाली यादों को ताजा कर रहा होता है, कहीं ना कहीं वो दोनों ये जरूर समझ जाते हैं कि लाइफ इज नॉट अबाउट अ बिग अचीवमेंट बट इट्स ऑल अबाउट लिविंग अ लाइफ इन अ स्मॉल मोमेंट्स। इसके अलावा मिकासा और एरन के बीच में जो हुई कॉन्वर्सेशन थी, जो कि एक अल्टरनेट एंडिंग की तरफ लेके जाती है, जहां पर एरन और मिकासा पहाड़ों के बीच में छुप कर रह रहे होते हैं, जहां पर एरन बताता है मिकासा को कि उसके पास सिर्फ 4 साल है और इन 4 सालों को वो मिकासा के साथ जीना चाहता है, और जब उसकी डेथ हो जाएगी तब वो चाहता है कि मिकासा किसी और से शादी कर ले, किसी और के साथ रह ले, ताकि मिकासा लाइफ में आगे बढ़ सके, और जो उसने स्कार्फ दिया था मिकासा को वो उसे फेंक दे ताकि वो उसकी उसे याद न दिला सके। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इम्पैक्टफुल चीज मुझे लगी वो थी
आर्मिन और एरन के बीच में हुई बातचीत को लेकर, जो कि काफी सारी चीजें रिवील करती है और इसे काफी अच्छा स्क्रीन टाइम दिया गया है। करीबन 15 मिनट तक इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, जिसमें काफी सारी चीजें रिवील होती है कि आखिर क्यों यमीर, जिसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है, उसके बावजूद भी वो किंग फ्रिट्ज जैसे निर्दयी आदमी की गुलामी कर रही थी, जिसने उसके पूरे गाँव को जला डाला, उसके माँ बाप को मार दिया, उसकी जबान तक काट डाली, लेकिन फिर भी वो किंग फ्रिट्ज की गुलामी कर रही होती है। और मरने के बाद भी पाथ के अंदर वो रहकर किंग फ्रिट्ज के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही होती है, जहां पर वो टाइटंस की पावर को जिंदा रखे हुए हैं। और यही सवाल आर्मिन ने जीक से भी पूछा था, लेकिन जीक इस चीज का जवाब नहीं था, लेकिन एरन कहीं ना कहीं ये जरूर समझ गया था कि आखिर क्यों। और इसी चीज के जवाब में एरन बताता है कि कहीं ना कहीं यमी किंग फ्रिट से प्यार कर बैठी थी और वो इस चीज से जूझ भी रही होती, लेकिन वो इस बारे में कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि उसके दिल में जो किंग फ्रिट्स के लिए प्यार है वो कहीं ना कहीं इस चीज को रोक रहा होता है। और यही वजह है कि वो एरन के साथ मिलकर इस रंबलिंग वाले प्लान को अंजाम दे रही होती है। लेकिन यमीर को भी अपनी सफरिंग से आजादी मिल गई जब मिकासा को उसने एरन को मारते हुए देखा, इसलिए वो पीछे से देखकर स्माइल कर रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने एरन को नहीं बल्कि मिकासा को चुना था अपनी सफरिंग से आजादी पाने के लिए। क्योंकि मिकासा भी यमीर की तरह किसी से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन फिर भी उसने वर्ल्ड को बचाने के लिए अपने प्यार को मानना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि उसे अच्छे और बुरे में फर्क समझ में आता है और वो यमीर की तरह किसी की स्लेव नहीं है, और उसने वही किया जो किसी को करना चाहिए था। इसलिए उसने मिकासा को जब ये चीज करते हुए देखा तो उसे अपनी सफरिंग से आजादी मिल गई, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है दोस्तों। लेकिन एट द एंड में जो एरन चाहता था उसने वो हासिल कर ही लिया, चाहे उसका तरीका गलत ही क्यों ना हो। हाँ, मॉरल वैल्यू से जो उसका तरीका था ये हमेशा ही गलत रहेगा, लेकिन एरन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसने वही किया जो उसे करना था। उसके पास पावर थी तो उसने वो कर दिखाया, वो चाहता था कि यमीर की सफरिंग से उसे आजादी मिले तो वो मिल गई, उसके दोस्त एक नॉर्मल जिंदगी जी सके तो उसने उसका वादा पूरा किया। मिकासा के लिए वो चाहता था कि वो उसकी डेथ के बाद किसी और के साथ शादी करके अपना जीवन व्यतीत करे, देर से ही सही, लेकिन मिकासा किसी के साथ शादी कर लाइफ में आगे बढ़ जाती है और अपने पोते पोतियों के साथ आखिर तक एरन की ग्रेव पर जाकर विजिट करती है। अब इस एंडिंग से काफी सारे लोग खुश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कई लोग इस चीज से सेटिस्फाइड भी है, क्योंकि मांगा में इस चीज को इतना ज्यादा क्लेरिफाई नहीं किया गया था जितना एनिमे में किया गया है। हालांकि 95% एंडिंग वही है, बस थोड़े बहुत डायलॉग्स चेंज करे गए हैं और चीजों को थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताया गया है, जो कि बहुत अच्छी एंडिंग प्रोवाइड करता है मेरे नजरिए में, क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। जब तक इस दुनिया में इंसान मौजूद है, साइकिल कंटिन्यू रहेगी और वॉर होती रहेंगी। और यही चीज इसे अमाय हमें बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको एक हैप्पी एंडिंग देने की बजाय एक रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाया और हमारे सामने ये दर्शाया कि भले ही लोग कितने भी ज्यादा इवॉल्व क्यों ना हो जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी ज्यादा एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। और यही चीज हमें इसे आम बताना चाहते थे इस पूरी कहानी से। एंड दिस इज द रियलिटी।